हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आ रहे हैं, इससे पता लग पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि कौन सा देश किस देश का दुश्मन है और कौन सा देश किस देश का दोस्त। जैसे कि हमने हाल ही में देखा कि पाकिस्तान भारत से अरदास मांग रहा है कि भारत अपने ट्रेड रूट वापस पाकिस्तान के लिए खोल दे, जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ी मदद हो सकेगी। और उधर डॉक्टर एस जयशंकर के रशिया को पावरफुल बनाने के बयान का चाइना ने समर्थन किया। इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि आगे चलकर दुनिया में किस तरीके का नया वर्ल्ड ऑर्डर सेटअप होने वाला है। आज की जो हमारी न्यूज है, उसकी भी कहीं ना कहीं कड़ी दुनिया के बदलते जियोपॉलिटिक्स से ही जुड़ती नजर आएगी। दोस्तों, जिस खबर के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, वह चाइना और भारत के संबंधों से रिलेटेड है। हाल ही में रशिया ने अपने देश में इंटरनेशनल मिलिट्री ड्रिल्स लॉन्च करी है, जिसके तहत दुनिया की अलग अलग कंट्री रशिया के फार ईस्ट एशिया में साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकती है। और इसी बीच ये खबर आई है कि रशिया में हो रहे इस प्रोग्राम में भारत और चाइना एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते नजर आएंगे। बता दें कि इस खबर के सामने आते ही AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात का जवाब मांगा है कि भारत चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो वे रशिया में क्यों हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा कि ये बात देश के लिए किसी भी नागरिक से नहीं छुपी हुई है कि हमारे भारत के कम से कम 50,000 सैनिक आज लद्दाख के एरिया में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सामने खड़े हैं, क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख का कुछ हिस्सा कंट्रोल में लिया हुआ है। आपको बता दें कि पीपल्स आर्मी चाइनीज आर्मी को कहा जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके ये भी कहा कि जब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात साफ साफ बता दी है कि चाइना से भारत के संबंध अभी इतने आसानी से नॉर्मल नहीं हो सकते, तो फिर चाइना के साथ मिलकर एक्सरसाइज की इस वक्त भारत को क्या जरूरत है। हालांकि ऐसे बयान हमें अक्सर ही देखने को मिलते हैं दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के द्वारा, मगर ये देखना है कि चाइना इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद क्या भारत के प्रति अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाता है या नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।